हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट मैट्रिक्स ए इज ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ एंड देन डिटरमिनेंट ऑफ बी, वेयर बी इन दिस मैट्रिक्स 4x 2a माइनस 3, 4 बाय 2b माइनस q, 4z 2c माइनस r। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज माइनस एंड ऑप्शन डी इज ऑप्शन सी इज ऑप्शन बी इज माइनस एंड ऑप्शन सी इज दैट ऑप्शन डी इज माइनस का 16। तो यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करने के लिए के कांसेप्ट हमेशा में क्या यूज करेंगे? एलिमेंट्री एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन को इसमें यूज करेंगे। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्वेश्चन के तरफ पे गिवन है, गिवन दैट मैट्रिक्स है हमारी क्या है, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। लास्ट रो हमारी क्या है, एक्स वाई जेड। एंड जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, तो किसके इक्वल है? टू के इक्वल कितना ना, हमें क्या चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ये हमारा आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 4x 2a माइनस 3, 4y 2b माइनस q, 4z 2c माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से 4 कॉमन लेंगे, सेकंड कॉलम में से 2 को और थर्ड कॉलम में से माइनस 1। 18 कॉमन, 4 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1 फॉर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट कॉलम में से 4 को कॉमन लेंगे, सेकंड कॉलम में से 2 को एंड थर्ड कॉलम में से माइनस 1। सो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारा क्या आ जाएगा, 4 टू जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस का 8, और डिटरमिनेंट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स ए बी वाई बी क्यू एंड जेड सी आर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट की। तो दिस इंप्लाइज जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ना, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की भी इक्वल होता है, यानी कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम होता है। हम क्या करेंगे, रोस जो कॉलम्स हैं उनको रो में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा तो डिटरमिनेंट तो चेंज नहीं होगा हमारा, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 8, और इंटू में आ जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड रो हमारी बन जाएगी ए बी सी, और फिर हमारी थर्ड रो क्या बन जाएगी, थर्ड रो आ जाएगी हमारी पी क्यू आर। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा आर वन है ना, उसको चेंज कर लेंगे हम, इंटरचेंज कर लेंगे आर टू से। तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो माइनस को हार आएगा तो माइनस माइनस, प्लस का 8 आ जाएगा, और डिटरमिनेंट के अंदर हमारा आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा आर टू है उसको आर थ्री के साथ इंटरचेंज कर लेंगे। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, माइनस बाहर आएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 8, और डिटरमिनेंट के अंदर हमारा आ जाएगा ए बी सी आर एक्स वाई जेड, और ये डिटरमिनेंट हमारा डिटरमिनेंट ऑफ है, तो माइनस का 8 इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ है, और डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू कितनी है 2, तो 8 हो जाएगा कितना आएगा 16, तो माइनस 12 है, माइनस का कितना जाएगा 16। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।